सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बेटा, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था हिंदी व्याकरण पार्ट 5 लिंग, और हमने समझा था कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो चलिए हम पार्ट 5 लिंग का थोड़ी और बातों को जाने। शब्द का जो रूप स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्रिया के प्रयोग के आधार पर लिंग की पहचान की जा सकती है। तो ये सभी पॉइंट्स हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। अब हम बुकवर्क देखेंगे बेटा। बुकवर्क में बेटा पेज नंबर 31 पर क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, उससे हमें स्त्रीलिंग बनाने। शिष्य शिष्या, लड़का लड़की, धोबी धोबिन, बेटा बेटी, देवर देवरानी, बूढ़ा बुढ़िया, शिक्षक शिक्षिका, माली मालिन। तो ये आपको हिंदी ग्रामर की व्याकरण की बुक में करना है, पेज नंबर 31 पर। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन 3 में क्या करना है। प्रश्न 3, दिए गए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग कीजिए। आपको शब्द दे रखे हैं, उन्हें आपको अलग करना है। पुल्लिंग की जगह पुल्लिंग वाले शब्द और स्त्रीलिंग की जगह स्त्रीलिंग वाले शब्द आपको कॉलम में लिखने हैं। दूल्हा पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है, पाठक पुल्लिंग, मक्खी स्त्रीलिंग, शेर पुल्लिंग, युवती स्त्रीलिंग, मुर्गा पुल्लिंग, बकरी स्त्रीलिंग, नाना पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग, गुड्डा पुल्लिंग और मौसी स्त्रीलिंग। तो इसी तरह आपको अलग अलग कॉलम में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखने हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न 4, रिक्त स्थान में रंगीन शब्दों का विपरीत लिंग वाला शब्द भरिए। हमारे घर मामा आए, तो आप लिखोगे क्या? मामा मामी आए। शेर गुफा में आराम कर रही है, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे? शेर शेरनी गुफा में आराम कर रहे हैं। अब देखिए गैपार्ट में लिखा है बारिश में मोर नाच रहे हैं, तो इसका विपरीत लिंग वाला शब्द क्या आएगा? बारिश में मोर मोरनी नाच रहे हैं। आगे देखिए मंदिर में देवी की पूजा हो रही है, तो इसका विपरीत लिंग वाला शब्द आएगा देवी देवता की पूजा हो रही है। अब हम देखेंगे प्रश्न 5, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में मिलान कीजिए। एक जगह कॉलम में हमें पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं और दूसरे कॉलम में स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं, तो हम उनका मिलान करते हैं। लड़का लड़की, मोर मोरनी, हिरन हिरनी, बकरा बकरी, नाना नानी और नर नारी। इस तरह से आपको मिलान करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड हो जाएगी। इसे ध्यान से समझिए और सुंदर अक्षरों में अपनी बुक में लिखिए। पेज नंबर 31 और 32 पे ये आपको अपनी व्याकरण की बुक में करना है। धन्यवाद।